Assalamu alaikum. This is Mohit Pirzada. This video log is in continuation of my previous video, jiska title unwaan tha Hagia Sophia in unpopular opinion. Aur yeh sawale se tha ki Hagia Sophia museum ko jo Recep Tayyip Erdogan ne faisla kiya mosque mein convert karne ke hawale se. To sabse pehle to mujhe aapka bahut shukriya ada karna hai wo sab log jinhone wo video dekhi hai, kyunki bahut complex video thi. और मैंने देखा है कि उस पर 500 से ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो मैं देख सकता हूँ, और उनमें से बहुत से कमेंट्स जो हैं वो इस किस्म के नहीं हैं जैसे कि आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू, यू ग्रेट वगैरह वगैरह, बल्कि उसमें बहुत ही डिटेल कमेंट्स हैं, बड़े एकेडमिक कमेंट्स हैं, उसमें बड़ा नॉलेज जो है वो रिफ्लेक्ट करता है. तो जब मैं वो कमेंट्स देखता हूँ, चूँकि मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, कोशिश भी करता हूँ जवाब देने की, अगर जवाब ना भी दे सकूँ तो मैं स्कैन ज़रूर करता हूँ. और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जिस तरह 2011 और 12 में मैंने फेसबुक के ऊपर एक पढ़ी लिखी सुलझी कम्युनिटी क्रिएट की थी, एक डिबेटिंग क्लब क्रिएट किया था, उसी तरह मैं अब यूट्यूब के ऊपर भी एक कम्युनिटी, पढ़ी लिखी सुलझी हुई डिबेटिंग क्लब और एक कम्युनिटी जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ. और ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी एक अचीवमेंट है, ये मेरी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मैं एक पढ़ा लिखा, एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी यहाँ पर क्रिएट कर सकूँ, और यही मेरा मेन मकसद. अब मेरी कोशिश तो आज ये थी कि मैं अमेरिका चीन के हवाले से जिस किस्म के इकदाम उठा रहा है, जिस दिन से हिंदुस्तान ने, पहले से उठा रहा था लेकिन ख़ास करके जब से हिंदुस्तान ने चीन की 59 ऐप्स को बैन किया है, उसके बाद से अमेरिका और उसके प्रेसिडेंट ने बहुत से ऐसे इकदाम उठाए हैं, बरतानिया को मजबूर किया है, जिनका मकसद ये है कि चीन को टेक्नोलॉजिकली स्क्वीज किया जाए, चीन की तरक्की का रास्ता रोका जाए, चीन को कॉर्नर किया जाए टेक्नोलॉजिकली, जोग्राफिकली, स्ट्रेटिजिकली, फाइनेंशियली, ट्रेड वाइज. और मैं उसका एक एनालिसिस जो है वो आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ कि किस हद तक अमेरिका जो है इसमें कामयाब हो पाएगा और किस हद तक कामयाब नहीं हो पाएगा, और चीन जवाबी तौर पर किस किस्म की ऑप्शंस जो हैं चीन के पास भी एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन ये मैं अगले वीडियो लॉग में करूँगा, अगली वीडियो में करूँगा. अभी मैं कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, बिकॉज जो पिछला मेरा वी लॉग था जहाँ Hagia Sophia एन अनपॉपुलर ओपिनियन, उसके नीचे लोगों ने बहुत गम व गुस्से का भी इजहार किया है मेरे खिलाफ, लेकिन गम व गुस्से से ज़्यादा बाज कमेंट्स जो हैं वो बड़े चाइल्डिश नेचर के, बड़े बचकाना नेचर के हैं. और वो कमेंट्स ये हैं कि तुम्हें नहीं पता कि ईसाइयों ने कॉर्डोबा की मस्जिद जो है उसे कैसे एक चर्च में कन्वर्ट कर दिया है, तुम वहाँ नहीं थे, तुम उसके बारे में क्यों कॉमेंट नहीं करते हो, तुम्हें नहीं पता कि बैल्कन्स के अंदर मुसलमानों की मसाजिद का क्या किया गया है, या फलां फलां मस्जिद के लिंक लगाए हुए हैं कि वहाँ पर देखें, वहाँ पर तो आर्मीनियंस जो हैं उन्होंने वहाँ पे घोड़े या जानवर जो हैं फलाम मसाजिद में किसी ज़माने में बांधे हैं, या इसराइली जो हैं वो यरूशलम में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स मुझे ये सब चीज़ें पता है, उसके हवाले से जब बात करूँगा तो उसको रेफरेंस करूँगा. मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें क्यों पता होंगी, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ टेलीविजन पर देखा है, एक एंकर की हैसियत से देखा है. मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मुझे इन चीज़ों का क्यों पता है. देखिए, आज से 30 बरस पहले मैंने CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, और मैं 17th उस एग्ज़ाम में आया. मेरा ख्याल था मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम था 19th अक्टूबर को, और 1st अगस्त को मैंने और डॉक्टर साइरस काजी ने, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टर्की में, हम दोनों ने लाहौर में अनारकली के बाज़ार में जाके यूनियन बुक शॉप से हमने कुछ 550-600 रुपये की, मेरा ख्याल है शायद इससे भी कम पैसों की, हमने CSS की किताबें ली, पाकिस्तानी प्रिंटेड, इंडियन प्रिंटेड थी कुछ. और चूंकि मेरे जो प्रोफेसर थे, हम दोनों के जो प्रोफेसर थे, वो हमें लीव ऑफ एब्सेंस नहीं देते थे. मैं सर्जिकल इंटर्न ही था, या सर्जिकल रेजिडेंट कह लें वो था, तो मुझे जो सर्टिफिकेट चाहिए था कम अज़ कम 3 महीने का, वो मुझे तभी मिल सकता था अगर मैं 1st अगस्त तक अपने सर्जिकल वार्ड में 3 महीने कम्प्लीट करता. सो 1st अगस्त को हमने पढ़ना शुरू किया साइरस ने, बल्कि 15 अगस्त को पढ़ना शुरू किया. साइरस की 37th पोजीशन आई थी CSS में, मेरी 17th पोजीशन आई थी. मैंने 1st अगस्त को पढ़ना शुरू किया, और मैं वो वाला CSS वाला क्राउड नहीं हूँ, या वो वाला CSS का प्रोडक्ट नहीं हूँ जो आजकल मुझे तरस आता है लोगों पे, जो एकेडमीज में 50-50 हज़ार रुपये जाके पढ़ते हैं. मैंने किताबें उठाई, अपने नोट्स बनाए, और अपने कमरे में बैठ के, अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बैठ के मैंने CSS की तैयारी की. ठीक है, और मुझे बड़ी मायूसी हुई जब मेरी 7th पोजीशन आई, मेरी 10th पोजीशन टॉप 10 में नहीं आई, बिकॉज मेरा ख्याल था कि मेरी, मतलब मेरे लिए CSS इतना आसान था कि मेरा ख्याल था कि आई वुड बी इन द टॉप 10 पोजीशंस, एटलीस्ट इन द टॉप 10 पोजीशन, इफ नॉट इन द टॉप 5. उसकी वजह ये थी कि मैं ये सारी उम्र से यही काम कर रहा हूँ,
मतलब मेरे वाले साहब को बहुत शौक था मुझे डॉक्टर बनाने का, सर्जन बनाने का, उनके शौक की तकमील करने के लिए, उनके हुक्म की तकमील करने के लिए मैंने उस वक्त मेडिसिन पढ़ी, क्योंकि मुझे बड़ा दुख है कि मेडिसिन मेरे हाथ से बाद में छूट गई। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेडिसिन से ज़्यादा बेहतर और ताकतवर और मोस्ट पावरफुल प्रोफेशन कोई हो नहीं सकता। ये टेलीविजन की जो एंकरिंग है ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले, ये बड़ा सुपरफिशियल सा रोल है। और चूंकि आप मुझे ये गैर संजीदा और खासे मजाहिया किस्म के हम लोग सब टेलीविजन प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान में, चूंकि मार्केट ही इस किस्म की है, तो गैर संजीदा मजाहिया हमें ये प्रोग्राम टेलीविजन के करने पड़ते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री का तकाजा ही इस किस्म का है। लेकिन मुझे आई एम ऑल्सो, जब ब्रिटिश फॉरन ऑफिस अभी भी देता है स्कॉलरशिप ब्रिटानिया शेवरिंग की, बट लेट 90s में 2001 में, आई थिंक 2000 में, आई वॉज नंबर वन फ्रॉम पाकिस्तान एज अ ब्रिटानिया शेवरिंग स्कॉलर। और मैंने जाके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ पढ़ा, पोलिटिकल लॉ पढ़ा और लॉ ऑफ मीडिया पढ़ा, मेरा लॉ का सब्जेक्ट था। और इससे पहले मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक अफेयर्स से मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये टेलीविजन में आने के लिए इन सब चीज़ों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैंने सोचा था मैं टेलीविजन में आऊँगा। टेलीविजन और ये जो एंकरिंग का जो रोल है, जिसको मैं अभी मजबूरी के तौर पर मुझे रोल करना पड़ता है, ये तो एक ब्रेड एंड बटर स्ट्रगल है मेरी। जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है वो ये आइडेंटिफिकेशन है जो मैं आपके साथ इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये जो पीसेज ऑफ राइटिंग मैं लिखता हूँ, जो बहुत कम लोगों ने पढ़े हैं, ग्लोबल विल स्पेस में आपको बहुत सी वो चीज़ें जो है मेरी राइटिंग्स जो है वो मिल जाएंगी। तो ये मेरी एक्चुअल